हरियाणा के सोनीपत लोकसभा सीट पर छठवें चरण के अंतर्गत 25 मई को मतदान होना है। इसके लिए महीने भर पहले से ही सभी प्रत्याशी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, जिसके तहत हर रोज जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की जा रही है। इस दौरान गोहाना पहुंचे मोहनलाल बरडोली ने कहा कि 18 मई को गोहाना में 3 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोहाना पहुंचेंगे और बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जिसका निमंत्रण भी लोगों के बीच जाकर दे रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुने। इस दौरान मोहनलाल बरडोली ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लगातार 10 सालों तक देश की सेवा करने का कार्य किया है। मोहनलाल बरडोली ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प शहर व गांव के लोग ले रहे हैं। उम्मीदवार के तौर पर इस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अब की बार 400 पार और जो 10 वर्षों की उपलब्धियां सरकार की पूरे देश में विकास के काम, चाहे सड़कों के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे बिजली के हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, जिस प्रकार से सबको न्याय देने का काम किया है और मोदी जी की विकास की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, शांति की गारंटी, सबके रोजगार की गारंटी, महिलाओं के अधिकार की गारंटी, किसानों के सम्मान की गारंटी जो मोदी जी ने दी है, उससे पूरी जनता पूरी तरह से आश्वस्त है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम 25 मई को कमल के फूल की बटन दबाकर जनता पूरा आशीर्वाद देने का काम करेगी। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के कोई बड़े नेता जो है उनके साथ नहीं है, भीतर घसता रहा है, कुछ राय से भी खुद हार रहे हैं। ये कांग्रेस के पार्टी के लोग दुष्प्रचार भी करेंगे, उन्होंने टीम भी छोड़ रखी है, बाजार बाजार में उनके जो आदमी इस प्रकार का प्रचार भी कर रहे हैं। कांग्रेस के अपने पल्ले में कुछ नहीं है, वो अपने पल्ले को झाड़ चुकी है, हमारे पल्ले का चर्चा करती है। कांग्रेस तो ये कह रही है 400 पार जिस तरह हरियाणा में 75 पार था, इस तरह ही आएगा। पूरी तरह से हरियाणा में भी सरकार चली है, अच्छे से चली है और 303 सांसद 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के आए थे और अब की बार 370 पार भारतीय जनता पार्टी और 400 पार गठबंधन 100% जनता के आशीर्वाद से होगा। मुकाबला क्या आ रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं? मुकाबला तो कहीं है ही नहीं, बिखराव पे है विपक्ष, बिखराव पे एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी आ रहे हैं 18 तारीख को दोपहर 3 बजे मोदी जी गोहाना की पावन पवित्र भूमि पर आएंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे और हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। रैली के अलावा भी कोई कार्यक्रम है? बिल्कुल, रैली को संबोधित करके जाएंगे और रैली के लिए आएंगे, रैली करके चले। अच्छी बात है, व्यापारी होना कोई पाप थोड़ा, ये व्यापारी तो अच्छी चीज है। इस देश में व्यापारी भी होने चाहिए, किसान भी होने चाहिए, कर्मचारी भी होने चाहिए। मैं आम आदमी हूँ, सबको पता है, मैंने कपड़े का भी व्यापार किया, मैंने पेट्रोल पंप का भी व्यापार किया है, व्यापार करना कोई पाप थोड़ा ही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।